नवी मुंबई के वाशी सिडको एग्जीबिशन सेंटर में क्रेडाई बीएनएम द्वारा मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जहां 50 से ज्यादा बिल्डरों ने अपना स्टॉल लगाया है और हर साल की तरह इस साल भी अपने नए और अलग थीम के साथ पैराडाइज ग्रुप ने भी अपना स्टॉल लगाया है। पैराडाइज ग्रुप के स्टॉल में अपने सपनों का घर खरीदने वालों की भीड़ देखने को मिली। वहीं पैराडाइज ग्रुप के अमित भतीजा ने बताया कि पैराडाइज ग्रुप को आज 35 साल हो चुके हैं और हर साल अपने नए प्रोजेक्ट के साथ पैराडाइज ग्रुप सामने आता है और लोगों का अपना खुद का घर खरीदने का सपना पूरा करता है। हम बहुत खुशनसीब हैं कि ऐसा मंच हमें मिला है अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए, कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए, और बहुत शुक्रगुजार है कस्टमर्स के, जिन लोगों ने इतना अपने ऊपर ट्रस्ट किया है। और आज जो ये भीड़ आप देख रहे हैं हमारे स्टॉल पे, ये उसी का एक सिला है कि हम लोगों ने उनके ट्रस्ट पे खड़े उतरे हैं कस्टमर्स के, और उन लोगों ने जो हमसे उम्मीदें की हमने पूरी कोशिश करके वो डिलीवर की हुई है। तो हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं इस तरीके का क्राउड के साथ इंटरेक्ट करके, एंड यूज़र्स के साथ इंटरेक्ट करके, रियल बायर्स के साथ इंटरेक्ट करके, जो लोग अपने सपनों का घर एक्सप्लोर करने आए हैं और उनका एक जीनियन रिक्वायरमेंट को वो सर्व करने आए हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। पैराडाइज हमेशा से कोशिश करता हुआ है कि वो अपने वैल्यूड कस्टमर्स, जिन लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया हुआ है, उनके हर एक एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरे। और आज तक हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम टाइमली डिलीवर करें। ऑल दो कोविड की वजह से हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, लेकिन हम वो फेस करते करते धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। और मैं उन वैल्यूड कस्टमर्स, जिन लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, हमारा साथ दिया। और डेफिनेटली हम लोगों ने आज तक जो उनके लिए किया है, हम आगे भी वही कंटिन्यू करते आएंगे। तो पैराडाइज का ये सोच रहा है हमेशा कि अपना जो पहले का प्रोजेक्ट है, उससे हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो और अच्छा होना चाहिए। यानी जो भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने डिलीवर किया है और जो हम प्रोजेक्ट आगे लॉन्च करने वाले हैं, उसमें कुछ ना कुछ नयापन होना चाहिए, कस्टमर के लिए कुछ नई फैसिलिटीज़ नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ होनी चाहिए। तो पैराडाइज हमेशा चाहती है कि कुछ ना कुछ इनोवेटिव लाती रहे। आज तक बाबा की कृपा से, साईं बाबा की कृपा से हम लोग उसमें कामयाब रहे, और हम आगे भी दुआ करेंगे कि हम इसी तरह मार्केट में कुछ नई नई चीज़ें लेके आएँ। जैसे कि पिछले साल हम लोगों ने मार्केट में अफोर्डेबल लग्जरी में पैर रखा, और हमारा जो अपर खारगर वाला प्रोजेक्ट है साईं सन सिटी, जो साउथ अफ्रीका के सन सिटी के थीम के ऊपर बेस्ड है, 27 एकड़ का जो ये लैंड पार्सल है अपर खारगर में, जो पेंडा रेलवे स्टेशन के एकदम नज़दीक है, इसमें हम लोगों ने अफोर्डेबल लग्जरी लाया है। अफोर्डेबल लग्जरी का मतलब है कि टिकट साइज़ 40 लाख और एमिनिटीज़ हर वो लग्जरी प्रोजेक्ट की जो पैराडाइज बना रही है, तो उसमें हमें काफ़ी सक्सेस भी मिला है। तो इस तरीके से हम चाहेंगे कि हम आगे इनोवेटिव करते रहें और कस्टमर्स का ऐसे ही सपोर्ट बना रहे। मैं सब कस्टमर्स को ये अपील करना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा मंच है उनके लिए, उनके जो पर्पस है कि अपने लिए एक अच्छा घर ढूंढने का, सही प्लेयर्स ढूंढने का, उनके लिए सही मंच है कि वो यहाँ पे आके अपने सब ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हो रही है, नवी मुंबई एक अलग एरिया में जा रहा है, हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कस्टमर्स के लिए सही टाइम पे घर खरीदने के लिए नवी मुंबई के अंदर। और ये सही मंच है जहाँ पे आके वो अपने डिसीजंस को लेके अपना आगे का फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं।